गुड मॉर्निंग बच्चों, विराट क्लासेस चैनल पे आप सभी को स्वागत है। जितने भी लोग यदि वीडियो देखते हैं, जितने विद्यार्थीगण मेरे विद्यार्थी हैं या फिर अदर विद्यार्थीगण हैं, यदि अगर कोई दिक्कत लगता होगा तो आप कमेंट के जरिए, क्योंकि सामने से मिल नहीं सकते हैं, अगर मिलना होगा तो आप हमारे क्लास पे आके आप शिकायत कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे तकलीफ है। आइए, आज आप लोग के बीच में शब्द विचार लेकर के आया है। इसके पहले कुछ टॉपिक हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं, जैसे भाषा क्या है। भाषा आज है तभी हम लोग हैं। ऐसा लगता है कि अगर भाषा नहीं होता तो हम लोग यहां मौजूद नहीं होते, क्योंकि अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसे लोगों के बीच शेयर नहीं कर पाते, लोग हम तक नहीं शेयर कर पाते। तो भाषा बता चुके हैं, और भाषा के बाद जो है व्याकरण बताए हैं कि व्याकरण है क्या। फिर इसके बाद बच्चों वर्ण के बारे में बताए हैं, वर्ण क्या है। फिर इसके बाद उच्चारण स्थान बताए हैं कि उच्चारण स्थान है क्या। कोई भी वर्ण को बोलते हैं तो उसमें हमारे मुख का कौन सा हिस्सा स्पर्श करते हुए ध्वनि निकलती है बाहर, ये चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग अगले कड़ी में शब्द विचार जानेंगे। ये शब्द विचार, ये शब्द है क्या, इस पर हम लोग विचार करते हैं। वर्ण तक पढ़ाई किए हैं, वर्ण उस मूल भूमि को कहते हैं जिसे और छोटा नहीं कर सकते हैं, ये आपकी जानकारी हो चुकी है। अन्यथा अगर इसकी वीडियो नहीं बनी है तो कोशिश करेंगे उसे ही बना दें। आइए इसको समझते हैं। शब्द वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह, यानी वर्ण और अक्षर। वर्ण को आप लोग जानते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, यानी वर्ण या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह, ऐसा स्वतंत्र समूह है जिनका कोई अर्थ हो तो उसे हम शब्द कहेंगे। वर्ण से ही मिलकर के, अक्षर से ही मिलकर के दो अक्षर, दो से अधिक अक्षर मिलेंगे और उसका कोई स्वतंत्र अर्थ होगा तब उसे जाकर के हम शब्द कहेंगे। कहेंगे वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन कैसा समूह? ऐसा समूह है वर्ण का, अक्षरों का ऐसा समूह है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। एज फॉर एग्जाम्पल हम कहें मार्कर, तुम्हारे माइंड में फिगर बन गया होगा मार्कर के, सर वो लिखने वाला होता है, कुछ तो अर्थ समझ रहे हो। घड़ी, यानी घड़ी बोले तो आप समझे कहां टाइम बताता है। मतलब जो शब्द यानी ऐसा वर्णों का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो रहा है, जिसका अर्थ निकल रहा है, उसे हम शब्द कहेंगे। लेकिन जिसका अगर अर्थ ना निकल रहा हो, वर्ण के समूह तो है लेकिन उसका अर्थ ना निकल रहा हो, तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द की श्रेणी में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं पता हमें है। क्लियर? तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो तो उसे हम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल लड़का, आप समझ गए होंगे, बाल कटा हुआ है नहीं, शर्ट पैंट एक आकार बन गया होगा। लेकिन आज लड़का और लड़की में अंतर करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि लड़कियां भी जो है लड़का से कम नहीं है, वो उन्हें ये बाल बोझ लगने लगा है, वो भी काट करके सुलग दिए क्या हम कि क्यों सुबह करके रखेंगे उन्हें, जो है ये वाला जो है ना 5 kg वाला लहंगा ऐसे सभी देखे हम देखे वो ऐसे मतलब पकड़ करके बेचारी चलती कैसे है, वो ये इतना बोझ रहता है कपड़ा उनका, कैसे पकड़ के चलना पड़ता है। अब छोड़ देंगे तो पूरा जो ऐसे जितना सड़क पर सब साफ करके चलेगा वो, अब उनको बोझ नहीं लगा, वो भी शर्ट पैंट पहनती है कि नहीं नहीं हम शर्ट पैंट पहनेंगे। लेकिन अगर लड़का इसका कर लेगा तो फिर दिक्कत है। अगर लड़का किसका करे कि जैसे आप हमारी ड्रेस पहन रहे हैं आपकी ड्रेस हम पहनेंगे, तब फिर सुन लो उसका नाम क्या पड़ेगा, लड़का नाम रहेगा उसको नहीं रहेगा, नहीं चेंज हो जाएगा। अब कह सकते हैं कि सर हम लड़का के अर्थ, लड़का के नाम सुनते इसका अर्थ समझ गया कि एक क्या है, इसके गुण आपके माइंड में आ गया होगा। लड़की का अर्थ भी समझ गया, यानी ये भी सर शब्द है क्योंकि ये तीन वर्णों से मिलकर के बना है, ऐसा कुछ ना कुछ अर्थ हो रहा है। ये कोयला, कोयला जैसे लिखा गया वर्णों का समूह ही है लेकिन इसका अर्थ आपको पता है, किसे हम लोग खाना पकाते हैं, ये एक प्रकार का ईंधन है। मतलब सिर्फ लिखने में आप समझ रहे हैं, तो यदि बच्चों
वर्णों का समूह ही है, और जब उसका अर्थ पता चल रहा हमें तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द। ये पटना लिखा हुआ तुम समझ रहे हो कि ये पटना एक हमारे के यहां बहुत अच्छा शहर है, और साथ ही साथ बिहार राज्य की अगर जाने बहुत विशेषता बताओगे तुम, यानी अर्थ पता चल जा रहा है। तो जो वर्णों और अक्षरों के समूह का अर्थ पता चले तो उसे हम कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? अब रह गई बात कि क्या शब्द एक ही प्रकार के होते हैं, कैसे शब्द को बांटेंगे, इस पर विचार करना है। शब्द को कैसे बांटेंगे हम लोग, बंटवारा कैसे करेंगे, कई भागों में कैसे बांटेंगे हम लोग, इस पर विचार करेंगे। यानी शब्द विचार का वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब बांटना होता है, शब्द को कैसे बांटेंगे। बच्चों आप कह सकते हैं कि शब्द को अर्थ के आधार पर बांट सकते हैं, अर्थ के आधार पर बांट सकते हैं, हे बनावट के आधार पर बांट सकते हैं, प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं। तो माइंड में रखना है कि शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया, डायरेक्ट कोई पूछेगा तो आपको प्रश्न करना है कि आप किस आधार पर पूछ रहे हैं। कोई पूछे कि शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया है तो आपको बताना है, उसे प्रश्न करना है, प्रश्न आपसे आया है कि शब्द को कितने वर्गों में बांटा गया है, तब आप भी उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि आप हमसे शब्द को किस आधार पर बांटने की बात कर रहे हैं। हमें नॉलेज है जहां तक, बताना है आपको कि शब्द को अर्थ के आधार पर बांट सकते हैं, शब्द को बनावट के आधार पर बांट सकते हैं, शब्द को प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं, शब्द को उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं। तो हमको आप इसमें से किसके आधार पर पूछ रहे हैं, हम लोग एक एक पॉइंट को जानेंगे। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है, शब्द को किसके आधार पर बांटेंगे, अर्थ के आधार पर। तो देखिए यहां चले हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के अगर पूछता कितने भेद होते हैं तो कहेंगे दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, यानी अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। ठीक सर, अभी आपने बताया कि वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो शब्द के अंत में गिनती नहीं आता है, और यहां आपने बता दिया है कि एक सार्थक एक निरर्थक। ये जी वो शब्द है कौन जिसका अर्थ नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आप वर्णों का समूह कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम देते हैं, लिखल है रग का, ये भी तो है, एक दो तीन गो वर्ण है, तीन गो अक्षर है, क्या इस शब्द कहलाएगा, क्या है रग अक्षर, रग क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ आपको माइंड में इमेजिन नहीं बन रही है, कुछ फिगर नहीं बन रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं हो रही है, इसको शब्द हम लोग गिनती नहीं करेंगे। लेकिन आइए वही अर्थ के आधार पर हम लोग शब्द को दो वर्गों में बांटे हैं, एक सार्थक शब्द है एक निरर्थक शब्द। बारंबार माइंड में याद रखें कि शब्द यानी अर्थ के आधार पर, जिसे कुछ अर्थ हो इसके आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है, एक सार्थक एक निरर्थक। देखिए ना, पता चल रहा है कि सार्थक, सार्थक अर्थ के साथ, यानी वैसा शब्द जिसका अर्थ हो, वैसा शब्द जिसका अर्थ कुछ ना कुछ निकले, वैसे शब्द को हम सार्थक शब्द कहते। परिभाषा तो कोई भाष नहीं है, लिख दिया गया है कि वैसा शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो तो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसका अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, जैसे देखो क्या गुलाब का अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, फिगर बना माइंड में कुछ, इसे गुलाब का एक पौधा होता है जिसका पुष्प होता है, हमने देखा है, आप लोग खाए होंगे गुलाब को, तो गुलाब के पुष्प को खा सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि उसमें उसका जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। आइए आज आदमी क्या बच्चों, ये आदमी कहेंगे तो समझ गया तुम कि दो पैर वाला जंतु है, इसमें दो हाथ होते हैं, है नहीं, यही आदमी दो पैर वाला आदमी में ही आदमी आता है, उसको कहते हैं जिसके पास गुण है, ये तब तुम्हें जानता है कि सर जानते हैं है दो पैर दो हाथ भी है, लेकिन यदि उसके पास कोई गुण नहीं रहता है तो दो पैर वाला जो है ना बिना पूछ वाला जानवर होता है, है कि नहीं, बिना सिंह पूछ वाला, और यदि सिंह लग जाता तो जानवर हो ही गया, लेकिन आदमी क्या है तो समझ में आ गया, किताब समझ गया, मिठाई समझ गया, कि हाँ मिठाई तो सर हम लोग खाए हैं मेला में, जो खाने के बाद में मीठा लगता है, मिठाई में बड़ी तरह की मिठाइयां आते हैं, वो आपसे अच्छा और को नहीं जानता है, है नहीं, अब कह सकते सर इसका अर्थ जाने, यानी जिसका अर्थ निकला क्या है, सार्थक है। लेकिन अब क्या है, ये निरर्थक शब्द क्या है बच्चों, निरर्थक जिसका कोई अर्थ, यानी वैसा शब्द जिनका अर्थ ना निकल रहा हो, अर्थात अर्थहीन हो, शब्द है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। बच्चों ऐसे ऐसे शब्द सार्थक शब्दों के साथ में मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे आपसे कोई पूछता है, आपको कहा गया कि चलो कहीं चलना है पार्टी साटी में, तो तुम फट फट शर्ट पैट पहना और निकल दिया, पांव में जूता नहीं पहना, यार तुम्हारा जूता उत्ता कुछ नहीं है,
तो जूता तो उत्ता क्या है? क्या जूता का तो अर्थ है, लेकिन क्या उत्ता का अर्थ है? बोला कि चलो पार्टी में चलो, तो पार्टी के नाम सुनते ही फट से धड़ाक से पहना और चलो चलते हैं। ठीक है, अरे पार्टी में जा रहा हो, नहाना उहाना नहीं है तुमको? तो नहाना का अर्थ उहाना को ची है। तुम बोलो कि नहा तो ले लेंगे, लेकिन उहाना को ची है नहीं? अब वहां गए पार्टी में, जैसे ही बैठ गए लोग दौड़े आते हैं कि मेहमान आए हैं, समझ गए? तो आकर के आपसे समाचार पूछ रहा है, तो जो गया है पार्टियों में खाई नहीं गया हुआ, हाँ वो क्या इसे क्या खाना उना नहीं लाना है? तो ये खाना तो है, लेकिन ये उना क्या है? है नहीं? खाना तो लेकिन उना क्या है? मेरे बच्चों, सार्थक शब्द के साथ में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसको अच्छा लगने के लिए लगे होते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कह सकते हैं वैसा शब्द जिनका अर्थ निकल नहीं रहा हो, अर्थात अर्थहीन हो, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देना बिना, पैसा देना बिना नहीं है पैसा, अरे इतना दिन से तुम्हारा बकाया कुछ तो, हाँ देना बिना, देना तो अर्थ है, लेकिन देना क्या है? बिना डलाने वाला, वो देना होता है, देना नहीं, वो देना होता है। ठीक है, अरे नहाना वहाना, यानी नहाने का तो अर्थ है, क्या वहाने का अर्थ है? जूता उत्ता है नहीं, इसका कोई फर्क मतलब अर्थ ही नहीं है। तो जो ये वाला शब्द देख रहे हैं उत्ता उहाना वेना, ये क्या है? हाँ, हंसता उसता कुछ नहीं है, तुम ऐसे बैठे मुंह ऐसे बैल रहता है, हंसता उसता कुछ है नहीं, दवा दारू करवाओ, दवा तो है, दारू पिला के मारे उसको, वो दारू का अर्थ नहीं होता कुछ, उसमें साथ में लग गया दवा के साथ में। ठीक है, तो आपको लगता है शायद सार्थक और निरर्थक समझ आ गया, यानी सार्थक शब्द जिसका अर्थ हो और निरर्थक जिसका कोई अर्थ निकलता, उस सार्थक शब्द में चलता है साथ साथ में। ठीक है, अब कहिए कि सर ये दूसरा पॉइंट, तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन प्रकार होते हैं, यानी शब्द को बनावट के आधार पर कितने वर्गों में? एक हो गया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। क्लियर? तो इसे आप छाप लेंगे, समझ में आया कि नहीं आया? बस यही तो बाबू। तो यदि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इसे आप बढ़ाइए, एक गरीब परिवार है